नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के इस फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह और मेरे साथ हैं क्रिकेट एक्सपर्ट रीमा। तो रीमा, सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे, आज रीमा का जन्मदिन है, तो आपको बहुत बहुत बधाई आपके जन्मदिन की। और थैंक यू सो मच प्रिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और आज का जो मैच है काफी मजेदार होने वाला है। दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच ये मैच है, और मजेदार इसलिए भी कि दिल्ली कैपिटल्स अपनी जीत को लेके काफी उत्साहित है, क्योंकि लगातार वो जो जीत का स्वाद है चख रही। हालांकि सीएसके भी लास्ट मैच अपना जीते और काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो रीवा, क्या लग रहा है कि आज का मैच कितना शानदार होने वाला है, क्योंकि दिल्ली वालों का जोश हाई है, चेन्नई सुपर किंग भी अपनी लास्ट जीत को लेकर आज तो उत्साहित होगी ही। जी हाँ, बड़ा मैच है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने जिस तरह से पिछला मैच खेला उस खेल के लिए वो जानी जाती है। आक्रामक बल्लेबाजी, अप्रोच बदली, इंटेंट बदला और आराम से मैच जीता। और सामने है दिल्ली कैपिटल्स, जो कि इस बार सबसे बेहतरीन टीम है। अगर मुंबई इंडियंस के बाद हम किसी को देखते हैं तो मुकाबला कांटे का होने वाला है, ना केवल टीम्स को आपस में देखते हुए जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। और जहाँ पे मैच है, शारजा में मैच है, छोटा ग्राउंड है, विकेट फिर भी मैं कहूंगी थोड़ा स्लो हुआ है जरूर, लेकिन ग्राउंड तो छोटा है तो छक्के काफी देखने को मिलेंगे। तो रीमा, ऐसा लग रहा है ना, आज एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, अनुभवी खिलाड़ी जो बहुत सारे मैच, इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं, और वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो यंग टीम, यंग एनर्जी है। तो क्या लग रहा है, जो आज का मुकाबला है वो एक्सपीरियंस्ड वर्सेज यंग एनर्जी होगा? मैं इसको किसी और तरह से देखती हूँ, जोश वर्सेस होश, क्योंकि होश में खेलती है चेन्नई सुपर किंग। जैसे आपने बोला अनुभवी खिलाड़ी, अनुभव की कमी वहाँ बिल्कुल नहीं है, टॉप टू बॉटम सारे अनुभव खिलाड़ी हैं। लेकिन सामने दिल्ली कैपिटल्स में यूथ और एक्सपीरियंस का मिलन है। जैसे अजिंक्य रहाणे हैं वहाँ पे, अश्विन है जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और उसके बाद युवा खिलाड़ी, युवा कप्तान श्रेयस अय्यर, जिनकी कप्तानी काफी तारीफ हो रही है और मुझे भी काफी उन्होंने प्रभावित किया है अपने कुछ डिसीजन से। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगी मुकाबला कांटे का हो रखा है, और ये आईपीएल में ये कहानी बन गई है कि अच्छे मैचेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ऑक्शन के बाद सब टीम नई बनी है और नई जगह पे खेल रही है। तो किस कॉम्बिनेशन से खेलते हैं, उस सिचुएशन को जो अच्छे से एनालाइज करेगा, उस सिचुएशन को जो अच्छे से यूज करेगा, वो एडवांटेज यहाँ पे लेके जा रहा है। रीमा, अगर हम रैंकिंग टेबल की बात करें तो दिल्ली कैपिटल सेकंड नंबर पर है, चेन्नई सुपर किंग्स है सिक्स्थ नंबर पे। हालांकि पिछले कुछ मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि पिछले कुछ मैचों से उनकी किरकिरी हुई। हम अगर हालिया मैचों की बात करें तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जीत भी रहे। तो स्ट्रेटजी में जो बदलाव हुआ है, धोनी ने जिस तरीके का बदलाव किया है, तो क्या लग रहा है जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम है उसके सामने चेन्नई की टीम कहां आपको नजर आती है? देखिए, दिल्ली ने शुरुआत अच्छी की है और अच्छा खेलती आ रही है। चेन्नई ने थोड़ा स्लो स्टार्ट लिया, पहला मैच जरूर जीती लेकिन उसके बाद लड़खड़ाई, लगातार पांच मैच हारी है ऐसा देखने को नहीं मिलता है। 2010 में सिर्फ ये सिनेरियो बना था उनके साथ, लेकिन उसके बाद वापसी बेहतरीन की थी। इस बार भी शुरुआत कर दी उन्होंने वापसी की, जो पिछला मैच खेला, लेकिन कंसिस्टेंटली खेलना पड़ेगा, अप्रोच वही रखनी पड़ेगी। प्लेइंग 11 में मैं कहूंगी थोड़ा सा मैं बदलाव देखना चाहती हूँ, हालांकि धोनी ज्यादा बदलाव करते नहीं है, लेकिन हेजलवुड एक ऐसा नाम है जो अभी भी डगआउट में बैठा है, और थोड़ी सी मैं कहूंगी डेथ ओवर में उनको पेस चाहिए, और हेजलवुड से अच्छा गेंदबाज इनके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि आप ब्रावो को आज आराम करा सकते हैं और हेजलवुड को लेके आ सकते हैं इस ग्राउंड के लिए, लेकिन वो भी फिर धोनी सोचते हैं, उनका सोचना तो उनकी टीम में किसी को नहीं पता होता। लेकिन सामने जो दिल्ली कैपिटल्स है कहीं ना कहीं इंजरी से जूझ रही है। पहले ऋषभ पंत इंजर्ड हुए, उसके बाद लास्ट मैच में श्रेयस अय्यर इंजर्ड हुए थे, जो फील्ड से बाहर गए थे, कप्तानी की थी शिखर धवन ने। तो आई होप वो मैच फिट हो और वो खेलें, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है कि वो आज खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे। रीमा, अगर दिल्ली कैपिटल्स की आपने जैसे की बात की है, तो हमने देखा है कि हालांकि दिल्ली कैपिटल्स अच्छा कर रही है, नो डाउट, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन पिछले कुछ मैचों में थोड़ा सा प्रदर्शन कम दिखा है कहीं ना कहीं, तो क्या लग रहा है पंत के बाहर जाने की कमी टीम में नजर आ रही है? थोड़ा बैलेंस देखिए हिलता है, क्योंकि फिर आपको कैरी को लेके आना पड़ रहा है अंदर, तो कहीं ना कहीं बैलेंस हिलता है। अगर इंडियन विकेट कीपर था तो आप कोई और ओवरसीज प्लेयर खिला सकते थे, हेटमायर को बाहर बिठाना पड़ रहा है क्योंकि आप कैरी को लेके आए, क्योंकि विकेट कीपर इंजर्ड हुआ और आपके पास इंडियन विकेट कीपर कोई नहीं था पंत की जगह। तो कहीं ना कहीं मैं जरूर कहूंगी, चाहे वो माने ना माने, कि बैलेंस हिला है यहाँ पे, और अगर अय्यर यहाँ पे इंजर्ड होते हैं तो दूसरा झटका लगेगा। लेकिन देखना है कि कैसे इस बंच के साथ वो खेलते हैं, क्योंकि जब लंबा टूर्नामेंट होता है ना तो कई उतार चढ़ाव होते हैं, आप एक ही पेस पे नहीं खेलते। लेकिन मुंबई इंडियंस की मैं तारीफ करूंगी उसके सामने, कि वो एक ही जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, थोड़ी सी डगमगाई थी, लेकिन आप नंबर वन नंबर टू की लड़ाई में अभी भी शामिल है, तो कुछ निराश होने वाली बात नहीं है, यहाँ से आगे बढ़ने वाले ही मैं कहूंगी उनको लक्ष्य होगा। अगर मैं कहूँ तो आप दिल्ली कैपिटल्स की टीम को कहाँ देखती है, क्या आपको इस लीग की ट्रॉफी जीतती हुई कहीं नजर? उनको फाइनल्स खेलता हुआ अभी देख रही हूँ, जीतना मैं कहना इट्स टू अर्ली, क्योंकि मुंबई इंडियंस के सामने जिस तरीके की अभी जिस तरीके की गेम वो कर रहे हैं,
तो उनको हराना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन यहाँ से मुझे कहीं ना कहीं अगर मैं आंख बंद करके सोचूं तो मेरे सामने आते हैं मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स फाइनल खेलते हुए, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स मेरे दिल के बड़े करीब है तो मैं उनको भी देखना चाहती हूँ। प्लेऑफ्स में कोई कैसा खेलता है, लेटेस्ट स्टेजेस में टीम कैसे खेलती है, क्या कंसिस्टेंट रहती है, क्या फिटनेस को ठीक से रखती है, क्या प्लेयर को जो मैनेज करते हैं उनका वर्कलोड अगर वो ठीक से मैनेज करेंगी वही टीम मैं कहूँगी आगे जाएंगी। रीमा यहाँ पे मैं थोड़ा सा सवाल अभी आगे भी लूंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे जो दर्शक है वो लगातार आपको बर्थडे विश कर रहे हैं। मैं नाम भी ले लेती हूँ, आपको विश किया है आर्यन ने, राजवीर बाबू हैं उन्होंने भी आपको राजवीर बाबू जी थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस, थैंक यू वेरी मच। तो लगातार जो हमारे दर्शक है TV9 भारतवर्ष के वो आपको बर्थडे भी विश कर रहे हैं। चलिए हम फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। रीमा, अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलिंग और बैटिंग की बात करें तो आपको बेहतर ज्यादा असरदार क्या नजर आ रही है? देखिए नेकेड आई से तो मैं कहूँगी दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि रबाडा उनके पास ऐसे गेंदबाज हैं जो सुपर ओवर तक में अच्छा कर चुके हैं और वो लगातार अच्छा कर रहे हैं। जब लगातार अच्छा करते हैं तो वो बताते हैं कि आपकी क्लास अच्छी है और आपके पास कंट्रोल है, आपके पास वेरिएशंस है और आप कंडीशंस को अच्छे से बेहतरीन तरीके से यूज कर रहे हैं। आर अश्विन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अक्षर पटेल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो पलड़ा भारी गेंदबाजी में मैं कहूंगी थोड़ा दिल्ली कैपिटल्स के पास ज्यादा है, क्योंकि अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स को देखें तो मैं फिर कहूंगी अगर आपको अपनी डेथ बॉलिंग अच्छी करनी है तो हेजलवुड का आना बहुत जरूरी है। रीमा, अगर मैं दिल्ली कैपिटल्स की बात करूं, अजिंक्य रहाणे की बात करूं, दो मैचों में उन्हें मौका मिला लेकिन वो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, या कहूं कि अभी वो फिलहाल उस फॉर्म में नहीं है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तो क्या लग रहा है आज के मैच में किसी और को मौका देना चाहिए या फिर एक मौका और उन्हें मिलना चाहिए? इतनी जल्दी अगर आप चेंजेस करेंगे ना तो फिर आप हर खिलाड़ी को मौके ही देते रहेंगे। इतने टाइम से वो बेंच पे थे, कोई मैच नहीं खेला, तो एक दो मैच तो हर खिलाड़ी ने लिए हैं। विराट कोहली ने लिया है, डिकॉक ने लिया है, सूर्य कुमार यादव ने लिया है, रोहित शर्मा ने लिया है, ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने आते ही बैंग बैंग परफॉर्म कर दिया सिवाय KL राहुल और मयंक को छोड़ के। तो अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़ा नाम है, विकेट्स स्लो विकेट्स पे अच्छा खेलते हैं, तो दो मैच हुए हैं, थोड़ा सा एक दो मैच उनको और दीजिए ताकि उनको भी भरोसा है कि टीम मेरे पे कॉन्फिडेंस दिखा रही है और मुझे परफॉर्म करना है। रीमा, अगर मैं आपके हिसाब से आज दिल्ली कैपिटल्स के की प्लेयर्स जानना चाहूँ, आपके फेवरेट, आप किने किने चाहेंगे आज वो बेहतर परफॉर्म करें? देखिए मैं चाहती हूँ कि जो टॉप ऑर्डर है स्पेशली शिखर धवन और पृथ्वी शॉ, उनका बल्ला चलना बहुत जरूरी है अगर मैं दिल्ली कैपिटल्स की साइड से सोचूं, क्योंकि ये इतिहास रहा है इस आईपीएल का, अगर आपकी ओपनिंग अच्छी जाती है, अगर आपका टॉप फोर अच्छा करते हैं तो आपका जो सक्सेस रेट है वो ज्यादा होता है जीतने का। तो मैं टॉप टू के लिए जाऊंगी शिखर धवन और पृथ्वी शॉ बल्लेबाजी में। गेंदबाजी में मैं फिर एक बार दाव लगाऊंगी रबाडा पे, क्योंकि उस खिलाड़ी ने बड़ा प्रभावित किया है मुझे। बिल्कुल, नो डाउट, रबाडा जिस तरह से लगातार विकेट झटक रहे हैं तो वो सबकी नजरों में तो वो आ ही चुके हैं। वहीं अगर मैं चेन्नई सुपर किंग्स के की प्लेयर्स की बात करूं रीमा, चेन्नई से मैं चाहूंगी फैफ को रन करता देखना, क्योंकि काफी टाइम से उनका बल्ला खामोश है। स्टार्टिंग के तीन मैच उन्होंने बेहतरीन खेले थे लेकिन उसके बाद से थोड़ा खामोश है बल्ला, तो उनका बल्ला चलना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि आज वो स्कोर करेंगे क्योंकि वो अच्छे खिलाड़ी हैं, ज्यादा देर उनको खामोश रखना मुश्किल है। और दूसरा मैं चाहूंगी आज गेंदबाजी में हेजलवुड को देखना, वो आए, वो खेलें और वो अच्छा करें, तो चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी तब हम कह सकते हैं, वरना कहीं ना कहीं बॉलिंग में एडवांटेज DC के पास जा सकती है। लेकिन मेरा दिल अभी भी कह रहा है चेन्नई सुपर किंग्स। धोनी वर्सेस अय्यर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन? आप धोनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, वो एक लेजेंड है, वो इतने सालों से कप्तानी करते हुए आ रहे हैं, ICC ट्रॉफी जीतने वाले वो कप्तान है, वर्ल्ड कप जीतने वाला वो कप्तान है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अय्यर को अंडररेट करेंगे या उन पर दबाव डालेंगे। अय्यर युवा कप्तान है, बेहतरीन कप्तानी कर रहे हैं, जो उनके डिसीजन है ऑन द फील्ड, जो इमीडिएट डिसीजन वो लेते हैं, मैं बड़ी खुश हूँ उनसे कि आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो कल को आप फ्यूचर इंडिया कैप्टन में भी दौड़ में हिस्सा ले सकते हैं और श्रेष्ठ लगातार अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। जी हाँ, बल्ले से भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंजॉय कर रहे हैं, तो दो कप्तानों को कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच रीमा जी इस तमाम पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड अगेन हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। तो चलिए फिलहाल इस फेसबुक लाइव में हमारे साथ इतना ही, बाकी आप देखते रहिए आपको अपना फेवरेट शो रेगिस्तान में महासंग्राम। नमस्कार।